लोग शुद्ध खाना नहीं छोड़ने के बाद अशुद्ध खाने पर प्रेरित हो गए हैं, तो इन्होंने अपने जैन समाज की पहचान को ही खत्म करने का प्रयास किया। जैन नाम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम किस मार्ग पर जा रहे हैं एक अल्पसंख्या में अपन को घोषित किया है और उसके बाद में हम एक ही मार्ग पर नहीं चलकर ये कार्य करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की और पीड़ा की बात है। वैसे ट्रेन में जाते हैं तो लोग कहते हैं जैन खाना दो, तो ट्रेन के अंदर बनते बनते खाने में भी उन लोगों को जैन खाना दिया जाता है। और जब जैन लोग जैन रेस्टोरेंट या जैन होटल नाम करते हैं तो निश्चित ही उन्होंने जैन शब्द की परिभाषा को, जैन शब्द को और जैन गरिमा को समझा ही नहीं है। केवल जन्म जरूर उन्होंने जैन कुल में लिया है, लेकिन वो कहना नहीं कि लायक ही नहीं है उन्हें जैन शब्द कहा जा सके। जैन समाज को लेकर जिस प्रकार से उसने बयानबाजी किया महुआ मोहित्रा ने, उससे काफ़ी धक्का प्रतिष्ठ जैन समाज को भी लगा है, धर्म को भी लगा है। आज हम साधी जी महाराज से ही बात करने वाले हैं कि सुरेंद्र महाराज साहब, श्री जी महाराज, महाराज साहब आप बताइए कि जिस प्रकार से ये निवेदनबाजी होती है, बयानबाजी हो रही है कि जैन युवक भी अब नॉन वेज खा रहे हैं, उससे लेके आपके मन में पीड़ा क्या होती है, क्या लगता है आपको? जैन शब्द आते ही गलत मार्ग पर जाने वाले युवाओं के लिए पीड़ा तो इतनी होती है कि शब्दों उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन इस बार जो कोरोना आया और इस कोरोना ने जो संदेश दिया कि मुख पर मास्क रखो, यह आदिनाथ प्रभु से जैन समाज के अंदर मुपत्ति और मुख कोष का वर्णन चल रहा है कि जो बोलने से मुंह से निकलने वाले थूक में भी जीव होते हैं और वो जीव लगने से एक दूसरों को इन्फेक्शन होता है, बीमारी लग जाती है। प्रभु ने गर्म पानी का संदेश दिया तो कोरोना की महामारी में गर्म पानी और गर्म काढ़े, गर्म चीज़ें खाने के लिए लोग प्रेरित हुए। एक दूसरों से मिलना नहीं, जय जिनेन्द्र यानी दूरी बना के रहता है। इस कोरोना ने जैन समाज को इतना प्रसिद्ध किया, इतना बताया है कि यदि जो व्यक्ति जैन समाज की तरह जिए तो उन्हें कभी रोग नहीं आ सकते हैं। और आज यदि जैन समाज के लोग भी कोरोना से ग्रस्त हुए हैं या साधु साधी ग्रस्त हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी खाने पीने की गड़बड़ों से हुआ है। आज जैन समाज की यह स्थिति है कि लोग शुद्ध खाना नहीं छोड़ने के बाद अशुद्ध खाने पर प्रेरित हो गए हैं, तो इन्होंने अपने जैन समाज की पहचान को ही खत्म करने का प्रयास किया। जैन नाम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम किस मार्ग पर जा रहे हैं एक अल्पसंख्या में अपन को घोषित किया है और उसके बाद में हम एक ही मार्ग पर नहीं चलकर ये कार्य करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की और पीड़ा की बात है कि छोटी सी समाज को हम धर्म का उपदेश देकर रोक नहीं पा रहे। नहीं रुकने का कारण ये उनके बुरे संस्कार और बुरे वातावरण और बुरे मित्र दोस्तों के कारण यह गंदे मार्ग पर जा रहे हैं। कोरोना जैन धर्म के लिए आज भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि प्रभु महावीर ने बताया है अहिंसा परमो धर्म, मुंह पर मास्क रखो, गर्म पानी पियो, दुनिया बना के रहो, घर में रहो, किसी को स्पर्श मत करो, बाहर का मत खाओ। इसके पीछे हेतु क्या? यही तो अहिंसा, यही तो सुरक्षा, यही तो बचाव। यदि यह संदेश कोरोना का ही सबको लग जाए ना तो भी आज हमारा भारत और हमारे भारत की जैन समाज सुरक्षित हो सकती है। और ये होने के बाद यदि नहीं डरे तो फिर वो तो जैन संतों से डरेंगे और न भगवान से डरेंगे, न अपने पापों से डरेंगे और न वो कभी भी दुर्गति से भी नहीं डरेंगे। जैन समाज ने अपनी पहचान खो दी। आज देखा जाए तो चाहे कोई भी होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे रोड पे जाओ, सब जगह बैनर लिखा होता है, पोस्टर होता है कि हाँ आपको जैन फूड मिलेगा। आप बता रहे हो बाहर का नहीं खाना चाहिए, संस्कार पे असर होती है, उसके विचार पे असर होता है। वैसे ट्रेन में जाते हैं तो लोग कहते हैं जैन खाना दो, तो ट्रेन के अंदर बनते बनते खाने में भी उन लोगों को जैन खाना दिया जाता है। और जब जैन लोग जैन रेस्टोरेंट या जैन होटल नाम करते हैं तो निश्चित ही उन्होंने जैन शब्द की परिभाषा को, जैन शब्द को और जैन गरिमा को समझा ही नहीं है। केवल जन्म जरूर उन्होंने जैन कुल में लिया है, लेकिन वो कहना नहीं कि लायक ही नहीं है कि उन्हें जैन शब्द कहा जा सके। तो बाहर बहुत लोग खा रहे हैं तो उसको कैसे आप देखते हैं? हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप जैसे व्यक्ति हम जब बताते हैं और सुनते हैं तो हम बड़े चिंतित होते हैं कि हम जैनियों को नहीं रोकेंगे तो पूरे देश के अंदर उपदेश देने का हमने दावा किया है कि पूरे देश को सुधारने के लिए हमने जैन जीवन अपनाया है, तो हम कैसे सुधार पाएंगे उनको? इसके लिए हमारे बड़े बड़े नेता लोग, प्रधानमंत्री लोग, बड़े बड़े ये सारे लोग, चाहे जैसे गांधी जी ने कितना अपना कि जो अहिंसा का पालन नहीं करो देश छोड़ के जाए, आज हमारे बड़े बड़े नेता लोग भी कुछ ऐसे अभियान करें तो हमारा भारत सुधर सकता है। आपने पूरा जीवन को त्याग कर दिया है, आपके जैसे बहुत साधु भगवंतों ने त्याग किया है,
आपको नहीं लगता कि देश में गौहत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए, कत्लखाने बंद होना चाहिए? आज पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मांस की निर्यात होती है, मांस की जो निर्यात हो रही है, पिंक रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको, बंद होना चाहिए, पूरा कत्लखाना बंद हो जाए। अगर ऐसी अपने कोरोना महामारी जैसी आती है बीमारियाँ, उसको रोकने के लिए सब बंद करने की जरूरत नहीं लगता आपको? बहुत ज़रूरत लगती है, केवल जैन समाज नहीं, इसमें समस्त हिंदू समाज को एकत्रित होना चाहिए। अहिंसा परमो को धर्म को मानने वाले सभी, चाहे वो कोई भी जाति है, जिन्होंने अहिंसा का महत्व समझा है, उन सबको एक होकर ये अभियान चलाना चाहिए। तो ये संभव है कि हम सारी हत्याएं, ये गौशाला जो गौ हत्या हो रही है या और भी जानवर, गौ हत्या तो माता है, 33.5 करोड़ देवता इसमें वास करते हैं, लेकिन अन्य भी जीवों की जो हत्या होती है, इन सब जीवों को बचाकर उनकी सुरक्षा करना समस्त हिंदुस्तान के लोगों का उत्तरदायित्व है। सुरिंदा श्री जी महाराज साहब ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि जो जैन नॉन वेज खाते हो, वासी खाते हो या बाहर का खाते हो, उसको हम जैन नहीं मानते। इनसे जैन की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचता है, साथ साथ उन्होंने बताया कि जो जैन ऐसा खाते है, चाहे नॉन वेज खाते हो, वासी खाते हो या बाहर का खाते हो, उसका पतन भी निश्चित है। कैमरामैन मुकेश परिक के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। लोग शुद्ध खाना नहीं छोड़ने के बाद अशुद्ध खाने पर प्रेरित हो गए हैं, तो इन्होंने अपने जैन समाज की पहचान को ही खत्म करने का प्रयास किया। जैन नाम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम किस मार्ग पर जा रहे हैं, एक अल्पसंख्या में अपन को घोषित किया है और उसके बाद में हम एक ही मार्ग पर नहीं चलकर ये कार्य करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की और पीड़ा की बात है। वैसे ट्रेन में जाते हैं तो लोग कहते हैं जैन खाना दो, तो ट्रेन के अंदर बनते बनते खाने में भी उन लोगों को जैन खाना दिया जाता है, और जब जैन लोग जैन रेस्टोरेंट या जैन होटल नाम करते हैं तो निश्चित ही उन्होंने जैन शब्द की परिभाषा को, जैन शब्द को और जैन गरिमा को समझा ही नहीं है। केवल जन्म जरूर उन्होंने जैन कुल में लिया है, लेकिन वो कहना नहीं के लायक ही नहीं है उन्हें जैन शब्द कहा जा सकता।